बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अक्सा और मेरे चैनल का नाम है अक्सा ब्लॉग इटली। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे अपने अपने घरों में। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हम सब पे अपनी रहमत का साया बरकरार रखे, आमीन आमीन सुम आमीन। बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। आप पहले तो सबसे पहले आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो आज मैं ईद स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ, ये बहुत जबरदस्त मैं रान रोस्ट बना रहे हैं, तो इसका ऐसे आप घर पे होममेड मसालों के साथ बनाएगा। तो मैं अपनी भाई और भाभी की तरफ आई हूँ, तो वो लोग बना रहे हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ रेसिपी शेयर कर दूं। ये बहुत जबरदस्त रान रोस्ट बनती है, इसको होममेड मसालों के साथ आप बनाएंगे तो ये बहुत इजी बनेगा। तो स्पाइस में मुझे जिन चीजों की जरूरत है, ये 2 टेबल स्पून मैंने रेड मिर्च ली है, नमक भी 2 टेबल स्पून ही लिया है हमने, और 1 टीस्पून ये व्हाइट पेपर ली है सफेद मिर्च, और दालचीनी के 2 स्टिक ली हैं, और ये स्टार नीव्स लिए हैं 4 अदद, और ये जीरा लिया है ये भी 1 टेबलस्पून लिया है, और जायफल जावित्री 1/4 टीस्पून लिए हमने, और ये साबुत धनिया ब्लैक पेपर और जीरा फिर से लिया है, तो ये हमारा 1 टेबलस्पून है। तो ये तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, तो हम इनको ग्राइंड कर लेंगे। और हरी मिर्चें ली हैं 5 से 6 अदद, या और लेमन लिया है हमने तकरीबन, यहाँ बड़े साइज का होता है तो हम इसमें 1/2 डालेंगे, और 1 टेबलस्पून हमने लहसुन लिया है, और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट लिया है, और कुकिंग ऑयल लिया है, और वाइट वेनेगर लिया है। तो ये मटन की रान ली है, ये 2 अदद ली है, तो हम इनको कट फोक की मदद से इसके अंदर सुराख कर लेंगे। छुरी की मदद से हमने कट नहीं लगा रहे, कट लगाने से उसकी शेप खराब हो जाएगी, क्योंकि हमने इसे ओवन में बेक करना है, तो अब हम इसे सुराख कर लेंगे फोक की मदद से। तो इस तरीके से आपने सुराख करने हैं ताकि मसाला इसके अंदर से एडजस्ट हो जाए। इसको मैरिनेट करके तकरीबन हम 1 रात के लिए रखेंगे। अगर आपके पास टाइम ज्यादा नहीं है तो आप 4 से 6 घंटे भी रख सकते हैं, लेकिन हम इसे ओवरनाइट रखेंगे मसाला लगाकर। ये जो ड्राई मसाले हैं, तो ये हम इनको सबको ग्राइंड कर लेंगे बिल्कुल बारीक, इन्हें ग्राइंड कर लेना है ताकि मसाला मुंह के अंदर ना आए, तो इसलिए हम इनको बारीक चॉप कर लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। तो ये मसाला पीस लिया, इसकी खुशबू इतनी जबरदस्त है कि पूरे किचन में फैल गई है, बहुत जबरदस्त मसाला तैयार हुआ है। तो ये हमने हरी मिर्चों को भी चॉप कर लिया है, तो अब हम इसको रान के अंदर लगाते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें तकरीबन 1/2 कप से थोड़ा कम इसमें सिरका डालेंगे। तो हम इसमें सिरका लगा रहे हैं क्योंकि हम इसमें योगर्ट यूज नहीं करें, तो सिरका इसलिए हम ज्यादा लगा रहे हैं। सिरके से इसका अंदर से स्मेल भी खत्म हो जाएगी और सारे मसाले इसके अंदर अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये 1/2 कप हमने सिरका इसमें डाल दिया है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। तो सारा सिरका इसके ऊपर डाल दिया है। तो अब ये लेमन बहुत बड़े साइज में आप देख सकते हैं, तो हम इसमें 1/2 लेमन डालेंगे। अगर आपके छोटे साइज में है तो आप ये 2 से 3 अदद भी डाल सकते हैं। तो ये 1/2 अब हम इसमें लेमन लगाएंगे। तो अब हम इसमें लहसुन अदरक लगाएंगे सिरका लगाने के बाद, और इसको हैंड की मदद से अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे, इसके ऊपर कवर कर लेंगे ताकि अदरक लहसुन अच्छे तरीके से तमाम रान के ऊपर लग जाए। तो ये हमारे छोटे साइज में, तो हम 2 टीस्पून डाले, तो 1 टेबलस्पून आपने अदरक लेना है का पेस्ट लेना, 1 टेबलस्पून ही लहसुन का पेस्ट लेना। तो ये अब हम इसमें लगा रहे हैं। तो अब हमने अदरक लहसुन लगा दिया है, तो अब हम इसमें 2 टेबलस्पून से 3 टेबलस्पून इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी जितना आपको ऑयल पसंद है आप डाल सकते हैं। तो इसे पहले लगाएंगे और मसाला बाद में, ताकि मसाला इसके साथ चिपक जाए अच्छे तरीके से। तो अब हम इसमें ऑयल लगाने के बाद लेमन लगा देंगे, यह मैं 1/2 लेमन इसमें लगा रही हूं। तो अब हमने हरी मिर्चें और तमाम स्पाइसेस मिक्स कर ली हैं, तो अब हम इसमें रान पे लगा देंगे। इसको हैंड की मदद से अच्छे तरीके से आपने इस तरह लगाना है ताकि तमाम स्पाइस इसके मीट के अंदर तक चले जाएं। ये हमने 2 रान का मसाला तैयार किया है, तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक स्पाइस कम या माशाल्लाह से देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह से कितनी जबरदस्त रान का मसाला लग गया है, बहुत जबरदस्त लग रही है और उसकी खुशबू बहुत जबरदस्त आ रही है, तो आप जरूर इसे बनाइएगा। तो ये मसाला इसको अच्छे तरीके से लगा दिया, तो अब हम इसे ओवरनाइट कवर करके फ्रिज में रख देंगे।
तो अब ये फुल तैयार हो गई है और ये स्पेशली मैं एक सब्सक्राइबर की फरमाइश पे बना रही हूँ नान रोस्ट। तो फिर अब हम इसको बटर पेपर में कवर करके रख देंगे। आप किसी भी चीज पे कवर करके रख सकते हैं। तो अब बटर पेपर रख के जरूर दिखाओ। तो अब ये बटर पेपर पे इस तरह कवर कर रहे हैं ताकि मसाला इसके अंदर एडजस्ट हो जाए। तो इस तरीके से हमने काटा है फोड़नो, मतलब जो ओवन में रखने फोड़नो में रखने वाला काटा है तो वो इसके ऊपर कवर कर दिया है। तो आप इसको अगर नहीं बनाना चाहते तो आप इसे पतीले में भी बना सकते हैं। तो हमने इस तरह ही फोड़नो में रखना है। तो हम इसको कवर करके इस तरह कवर कर देंगे। तो फिर अब हम इसको ये शीट के ऊपर ये शीट से कवर करके इसको तैयार कर लेंगे और फ्रिज में रख देंगे ताकि इसकी शेप खराब ना हो। तो अब ये जबरदस्त इस तरह कवर हो गया है। तो अब हम इसको ओवरनाइट रख देंगे क्योंकि सुबह ईद है तो हम सुबह बनाएंगे। तो ये बिल्कुल तैयार है। तो अब ये बिल्कुल रेडी हो गया मसाला लगा के। अभी कवर करके इसको फ्रिज पर रख देंगे और हमने स्पाइस कम डाले हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज्यादा भी डाल सकते हैं क्योंकि बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसलिए कम स्पाइसी बना रहे हैं। तो आप 1 टेबल स्पून से ज्यादा स्पाइस भी डाल सकते हैं। तो अब ये रेडी है। तो ओवन को अब हमने प्री हीट करने के लिए रख दिया है। इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए प्री हीट किया है फुल मैक्सिमम पे रख कर ताकि इसकी फिर हम इसमें रान रखेंगे। तो अब ओवन प्री हीट हो गए। तो अब ये प्री हीट हो गया तो हम इसमें ये रान इस जाली के ऊपर ही रखेंगे। ये दो से ढाई घंटे में रान अच्छे तरीके से रोस्ट हो जाएगी। बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे। इसको 250 के ऊपर रखकर तो अब हम इसको बेक करेंगे। इसको हम जाली पे इसलिए रख रहे हैं ताकि ये अच्छे तरीके से इसको प्री हीट नीचे से भी हीट लगे और ऊपर से भी हीट लगे। तो अब ये बेक करने के लिए 2.5 घंटे के लिए रख देते हैं। तो अब ये 3 घंटे कम से कम इसको लगेंगे क्योंकि ये मटन की रान है तो इसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो 3 घंटे के लिए हम इसको इसके ऊपर बार बार इसकी साइड चेंज करते रहेंगे ताकि देखते रहें कि नीचे से ये बेक हो रही है ऊपर से इसका कलर जब ये फुल डन हो जाएगी तो फिर मैं आपको तो आप देख सकते हैं पूरे 3 घंटे हो गए। तो ये बिल्कुल तैयार हो गया। आप इसकी शक्ल देख सकते हैं। ऊपर से हमने इसका पहले से कवर करके पकाया था तो अब इसे थोड़ी देर के लिए खोल के पकाया है ताकि इसका कलर भी गोल्डन हो जाए। तो अब ये दोनों तैयार हो गए तो मैं इसको बाहर निकाल कर आपको दिखा दूंगी किस तरह लग रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल तैयार है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको रान रोस्ट की ये रेसिपी अच्छी लगी। तो आप देख सकते हैं ये कितनी जबरदस्त तैयार हो गई है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको रान रोस्ट की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो ये मेरे भाई ने बनाई है तो ये बहुत जबरदस्त और बहुत टेस्टी तैयार हुई है। तो अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे और एक दफा फिर मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो इसी दुआ के साथ अल्लाह ताला आपको हिफाजत में रखे, इसी दुआ के साथ मैं अल्लाह हाफिज़।